के मैदान में एक बार फिर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, किसी टूटे हुए शीशों से भी करते हैं। इसके साथ ही मैं डीएसपी साहब जनाब वरुण गुप्ता जी, पुलिस स्ट्रीट एक्शन प्रोग्राम 2022 के तहत सब डिवीजन अखनूर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई है, हम सबके बीच आज के प्रोग्राम की तरफ से एसपी साहब का अखनूर में ख्याल मकदम करता हूं। सर, आज की इस कोशिश में वॉलीबॉल के उभरते हुए खिलाड़ियों में नया रक्त संचार है और खेल प्रेमियों को भी जोश खरोश से भर दिया है। हम सब पुलिस डिपार्टमेंट के यहाँ पर वो हमने कितने को लिए और लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, आपने खुद ही देखा कि नेक टू नेक फाइट रही और परगाल के लड़कों ने तो बहुत ही बढ़िया खेला और आपका लास्ट में तो आपका मैच पॉइंट दो बार बना आगे और बढ़िया मैच हुआ और लोगों ने अखनूर के लोगों ने अच्छी इसमें पार्टिसिपेशन की, योगदान किया, पार्टिसिपेट किया, पुलिस की हेल्प की यहाँ पे, अच्छी टीमें प्रोड्यूस की और अच्छे लड़कों को आगे भी मैच करवाने का इन्होंने हमें आज आश्वासन दिया जो हमारी सिविल सोसाइटी से बात हुई। आइंदा J&K पुलिस और भी मैचेस करवाती रहेगी। शुक्रिया। योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने यहाँ क्लब्स बनेंगे, जितने मोहल्लों में क्लब्स बनेंगे, जितनी सिविक एक्टिविटीज़ होंगी, सिविल सोसाइटी जितनी पार्टिसिपेट करेगी, आप डेफिनेटली जब गेम्स बढ़ेंगी आप देखोगे ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अगर आप ये सिविक सोसाइटी उठ के ये गेम्स में पार्टिसिपेशन में नहीं रहेगी, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स नहीं कराएगी, कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, हर जगह स्कूल्स हैं, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी को यूज़ करेंगी, आप देखेंगे ड्रग्स खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।